नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पूर्वा कोविड 19 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो कि हावड़ा जंक्शन से नई दिल्ली के बीच में चलती है वाया पटना होकर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पूर्वा एक्सप्रेस। इसे अब जो है पूर्वा कोविड 19 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाया जाता है, जो कि वाया पटना तक चलती है, हावड़ा जंक्शन कोलकाता से नई दिल्ली तक। और ये हफ्ते में 4 दिन चलती है वाया पटना होकर, बाकी 3 दिन जो है वाया गया होकर चलती है। हावड़ा से ये जो ट्रेन है हर सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को चलती है। अगर इसके रूट मैप के बारे में बात करें तो ये हावड़ा जंक्शन से दुर्गापुर, आसनसोल, मधुपुर जंक्शन झारखंड, पटना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उत्तर प्रदेश, प्रयागराज जंक्शन कानपुर होते हुए ये नई दिल्ली में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हफ्ते में 4 दिन चलती है। हावड़ा जंक्शन से ये ट्रेन जो है हर सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को वाया पटना होकर चलती है। पूर्वा कोविड 19 स्पेशल ट्रेन का जो ट्रेन नंबर है वो है 02303 और ये जो ट्रेन है 22 घंटे में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। और इसके तकरीबन 24 स्टेशन हैं, 1529 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है और आपकी टिकट में सुपरफास्ट चार्ज भी साथ में जोड़ा जाएगा। आगे हम बात करेंगे इसके टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको पूर्वा कोविड 19 स्पेशल ट्रेन का, जो कि वाया पटना होकर चलती है, हावड़ा से नई दिल्ली तक का टिकट किराया बताऊंगा कोचेस वाइज। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें। इसमें फर्स्ट एसी का कोच है जिसका हावड़ा से नई दिल्ली तक का जो टोटल किराया है वो है 4230 रुपये, जिसमें 3893 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है और GST चार्ज जो है वो 202 रुपये है। टोटल किराया जो है वो 4230 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के भी कोच हैं, सॉरी सेकंड एसी के दो कोच हैं। सेकंड एसी का जो किराया है वो है 2490 रुपये, जिसमें 2276 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज जो है वो 119 रुपये है और टोटल अमाउंट जो है वो 2490 रुपये है। ये सेकंड एसी का किराया है पूर्वा कोविड 19 स्पेशल ट्रेन का, जो कि हावड़ा से नई दिल्ली तक का बता रहा हूँ। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के तकरीबन 5 कोच हैं, जिसका टिकट किराया जो है 1735 रुपये है और जिसमें 1567 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है और GST चार्ज जो है वो 83 रुपये है। टोटल किराया जो इसका बनता है वो है 1735 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के तकरीबन 9 कोच हैं। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास का जो पूर्वा कोविड 19 स्पेशल ट्रेन जो वाया पटना होकर चलती है, हावड़ा से दिल्ली तक का टोटल किराया है 665 रुपये, जिसमें 615 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है। टोटल अमाउंट जो है वो 665 रुपये की है। इसमें तकरीबन 9 कोचेस हैं स्लीपर क्लास के और इसमें कोई GST चार्ज भी नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल एंड रिजर्व डिब्बों के तकरीबन 4 कोच हैं, बट उसमें आपको जो है रिजर्वेशन करा के ही जाना पड़ेगा। विदाउट रिजर्वेशन आप कोविड 19 स्पेशल ट्रेन में नहीं जा सकते। तो रिजर्वेशन के साथ जो जनरल एंड रिजर्व डिब्बों का जो किराया है वो है तकरीबन 400 रुपये। ये किराया आप किसी भी रेलवे वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कन्फर्म कर सकते हैं, वहाँ से आपको सही किराया जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस ट्रेन के पेंट्री कार के बारे में। इसमें रसोई अनकक्ष यानी कि पेंट्री कार भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस है आपकी टिकट में पहले से इंक्लूडेड नहीं होते, आपको डायरेक्टली जो है ट्रेन के अंदर से ही फूड जो है खरीदना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम बात करेंगे पूर्वा कोविड 19 स्पेशल ट्रेन के जो वाया पटना होकर चलती है, और जान लेंगे हावड़ा जंक्शन से नई दिल्ली तक इसके कौन कौन से स्टेशन हैं। ये जो पूर्वा कोविड 19 स्पेशल ट्रेन जो कि वाया पटना होकर चलती है, हावड़ा जंक्शन से हर सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को सुबह 8 बजे 9 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, वाया पटना होकर चलती है। 22 घंटे में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और उसके तकरीबन 24 स्टेशन हैं। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन वर्धमान जंक्शन पश्चिम बंगाल में सुबह 9:05 पर पहुँचती है और 9:08 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन जो है रुकती है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ये ट्रेन जो है सुबह 10:01 पर पहुंचती है और 10:03 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 157 किलोमीटर की करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। आसनसोल जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 10:32 पर पहुंचती है और 10:37 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है।
चितरंजन स्टेशन में ये सुबह 11 बजे पहुंचती है और 11:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। मधुपुर जंक्शन झारखंड में ये ट्रेन जो है सुबह 11:41 पे पहुंचती है और 11:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। जासीडी जंक्शन झारखंड में यह ट्रेन जो है दोपहर के 12:08 पे पहुंचती है और 12:12 पे पूर्वा COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो कि वाया पटना होकर चलती है वहां से रवाना हो जाती है। 4 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जाजा बिहार में दोपहर के 1:12 पे पहुंचती है और 1:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। बिहार के दूसरे स्टेशन जमुही बिहार में दोपहर के 1:33 पे पहुंचती है और 1:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 380 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। जमुही के बाद पूर्वा COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो वाया पटना होकर चलती है वो कियूल जंक्शन बिहार में दोपहर के 1:57 पे पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 408 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मकोमा स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 2:28 पे और 2:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 442 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। बाढ़ बिहार में ये ट्रेन जो है दोपहर के 2:45 पे पहुंचती है और 2:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बाढ़ बिहार के बाद ये ट्रेन जो है बख्तियारपुर जंक्शन बिहार में दोपहर के 3:03 पे पहुंचती है और 3:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। पटना जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:55 पे पहुंचती है और 4:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। दानापुर बिहार में ये ट्रेन जो है शाम के 4:20 पे पहुंचती है और 4:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। आरा जंक्शन बिहार में शाम के 4:46 पे पहुंचती है और 4:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद पूर्वा COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो है वो बक्सर स्टेशन में शाम के 5:31 पे पहुंचती है और 5:33 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद पूर्वा COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो वाया पटना होकर चलती है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय उत्तर प्रदेश में शाम के 7:30 पे पहुंचती है और 7:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 742 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। प्रयागराज जंक्शन या इलाहाबाद जंक्शन में ये रात के 9:40 पे पहुंचती है और 9:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। कानपुर सेंट्रल में ये रात के 12:02 पे पहुंचती है और 12:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहां पर कुशीनगर COVID-19 स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। कानपुर सेंट्रल के बाद ये ट्रेन जो है इटावा जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 1:29 पे पहुंचती है और 1:31 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1230 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पूर्वा COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो है टुंडला जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 2:48 पे पहुंचती है और 2:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1322 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अपने सेकंड लास्ट स्टेशन पे पूर्वा COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो है अलीगढ़ जंक्शन में रात के 3:28 पे पहुंचती है और 3:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। और इसके बाद पूर्वा COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन नई दिल्ली में पहुंचती है सुबह 6 बजे और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 1532 किलोमीटर के करीब जो है ये पूर्वा COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो है हावड़ा जंक्शन से नई दिल्ली के बीच में कवर कर लेती है वाया पटना होकर। दोस्तों इसी के साथ पूर्वा COVID-19 स्पेशल ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं।
या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, इस तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।